तो ये मौका नहीं आपका काम है जो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सुनील भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस अवार्ड के लिए। सुनील जी, आपने बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे ऐसे कॉमेडी के कारनामे किए हैं जिससे घर में बैठे दुखी पति पत्नी भी आपस में हंस लेते हैं उतने देर के लिए जितने देर आप टीवी के सामने होते हैं। हम लोगों ने टीवी के माध्यम से इनको देखा है, आज मैं चाहूंगा कि आप लाइव इनसे कुछ कॉमेडी के ऐसे पंचेस सुने कि आप सबके फेस पे और मेरे भी फेस पे थोड़ा सा गुदगुदी हो जाओ, हंसी मजाक हो जाओ। पहली बात तो भाई साहब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं, एंकरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इनका, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? यश कुमार। देखा, एकरा के कहे जाला पंच है बाबू, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं मतलब गर्व महसूस करता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है कि यार मैंने सुनील भाई को सिखाया है। यश कुमार तुम धन्य हो गए। नहीं, इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। सबसे पहले तो राजा बुंदेला साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे महान हस्ती के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। बचपन से लेके अब तक हमने इनको फिल्मों में हीरो को मजबूत बनाते हुए देखा है। हीरो कहीं भी कमजोर पड़ जाता था तो राजा भाई आकर उनको सपोर्ट करते थे और हीरो को सुपर हीरो बनाते थे। तो हीरो को हीरो बनाने में असल में इंडस्ट्री में राजा भाई का बहुत बड़ा। राजा साहब, किसी की जिंदगी बेरंग है, वाह वाह, किसी की जिंदगी बेरंग है, वाह वाह। सावरा, किसी की जिंदगी बेरंग है, किसी की जिंदगी अतरंग है, वाह वाह वाह। राजन, किसी की जिंदगी सतरंग है, किसी की जिंदगी नौरंग है, मगर आप सब लोग बड़े खुश हैं कि आपके साथ सब रंग। मैं देख रहा हूं यहां पर भोजपुरी गाने एक से बढ़कर गाए जा रहे हैं। एक तो गाने मैंने भी याद कर लिए, एक मुखड़ा मुझे बड़ा याद आता है मनोज तिवारी भैया का, कब आई भू आंगनवा हमार नैनवा, तू तो लूट ली निवारो हमार चैनवा, कब आएबू आंगनवा हमार नैनवा, कब आएबू आंगनवा हमार नैनवा, तो लूट ली निवारो हमार चैनवा। अभी मुझे मिल गए थे मनोज तिवारी जी, अभी मुझे दिल्ली में मिल गए थे, उनका सर प्रणाम, ए भैया गोल लाके तानी भैया, मतलब भैया कहाँ से आ रहे हैं? सपा से। सपा से मिश्रा जी, सपा से? मतलब आप तो बीजेपी के, आप सपा से कैसे आ रहे हैं? ए भैया बाड़ी मसाज कहाँ होता है भैया? मैंने कहा अब तो आप राजनीति में आ गए, भोजपुरी सिनेमा को तो भूल गए होंगे। ए भैया कसम है हमको 40 करोड़ भोजपुरियों के, हम भोजपुरी को बहुत ऊपर लेके जाएंगे भैया, बहुत डिस्कवरी चैनल जो है ना भैया अंग्रेजी का, हाँ उसको हम भोजपुरी में ला रहे हैं भैया। डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी लाएंगे, उसका नाम क्या होगा? खोजपुरी। भैया सुनील भैया, भैया भले हम एमटी हैं मगर भैया बहुत कुछ करेंगे भैया। मल्लिका शेरावत को भोजपुरी में ला रहा हूँ भैया, वो हीरोइन और हम हीरो, फिल्म का नाम भाग मल्लिका शेरावत है। ए भैया अंबानी पर भी फिल्म बना रहा हूँ भैया, मुकेश अंबानी हम और रवि को अनिल बना देंगे भैया, परिस्थिति को समझो भैया, उसको अनिल बना देंगे भैया, ठीक है भैया। फिल्म का नाम क्या होगा? अंबानी अंबानी। और भैया श्वेता तिवारी को भी भोजपुरी में तो आ चुकी है, लेकिन हम दोनों मिलके एक फिल्म बना रहे भैया, फिल्म का नाम मैं तिवारी तू तिवारी बाकी सब हम पे भारी। तो ये हमारे मनोज तिवारी, मैंने कहा मनोज जी शायद आप मेरी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता है रवि किशन मेरी बहुत इज्जत करते हैं। क्या कहते हैं भैया, अभी मिल गए थे भैया, उन्होंने कहा बाबू 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 तू अद्भुत बाड़ू बाबू, ए बाबू तू अद्भुत बाड़ू। अद्भुत नहीं, आधा भूत बोला होगा भाई। ए भैया रवि भैया की बात मत करो, अभी हमारी हम केबीसी का भी एंकरिंग कर रहे थे भैया, दिमाग खराब हो गया, अभी छोड़ कर आया हूँ। क्यों? बच्चन साहब की जगह हमको बुलाया था, हमारा गलत अंग्रेजी धोखा दे गया, गलत अंग्रेजी। क्यों? अरे हमने सवाल किया, सामने राजकुमार जी बैठे थे, सवाल किया, उनको चार ऑप्शन दिया, तो राजकुमार जी ने जवाब दिया, तो हमने कहा जवाब तो दे दिया पर क्या तुम सुअर हो?
आर यू सुअर? भैया पता नहीं क्या हुआ, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट बंद करना पड़ा भैया। तो एक बार जोरदार ताली हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए, भोजपुरी के लिए। भोजपुरी ने मुझे सम्मान दिया, इसी चीज की मेरे पास कमी थी, आपने मुझे दे दिया तो अच्छा लग रहा है। एक एक चीज और सुना दूं आपको, थोड़ा मूड में ताली बजा दीजिए। ऐसा है कि अभी जब भी आप न्यूज चैनल लगाइए, जितने भी लोग यहां पर न्यूज चैनल देखते होंगे, न्यूज चैनल सावरा, और यहां जितनी महिलाएं बैठी, आज मैं भड़का के जा रहा हूं उनको, जितनी सुंदर हमारी बहन और भाभियां और माता बहनें बैठी है, अगर आपके पति देव सिर्फ दिन भर टीवी पे न्यूज देखते तो ये मत समझो कि वो शरीफ है। एक बार टीवी के एंकर को देख लो, न्यूज वाली को। और जब भी अभी टीवी पे जब भी कोई भी चैनल लगाओ, सिर्फ बाबा की ही न्यूज आती है। वो सुंदर लड़की आके बोलती है, आज बाबा का एक और राज पता चल गया, आइए मैं लेके चलती हूँ आपको बाबा की गुफा में, आइए चलते बाबा की गुफा में। मैंने कहा बहन तू मत जा, तू बाबा के गुफा में मत जा, क्योंकि अभी भी ये अफवाह है कि असली बाबा बाहर है। अच्छा मुझे सावरा ने पूछ लिया कि भैया ये भी मनोज तिवारी है ना, भैया ये बताइए कि बाबा के और जजमेंट के बारे में आप खुश है क्या? तो ये छोटा सा लाइन वर्ड प्ले सुनिएगा, बड़ा मजा आपको। बाबा के और जजमेंट के बारे में आप खुश है क्या? तो मैंने कहा जज को और बाबा को मैं नहीं उल्टा बोल सकता, मेरी कोई औकात ही नहीं। बोले ऐसा क्यों कह रहे? बोले क्या फायदा? मैंने कहा बोलो क्या फायदा, जज को उल्टा बोलो तो जज ही होगा, जज को उल्टा बोलो जज ही होगा, और बाबा को भी उल्टा बोलो तो बाबा ही होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो सावरा ना तू बड़ा ना मैं छोटा, ना तू बड़ा ना मैं छोटा, दोनों का एक सौदा, इसे ही कहते डेरा सच्चा सौदा। वाह 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 क्या बात है। बाबा जब से जेल गए हैं, अच्छा जेल भी सुनारी है, वहां पे नारी की जरूरत क्या थी, सुनारी है। बाबा जेल गए, बाबा जेल में गए, दिन भर बाबा की न्यूज चल रही है, ये सब देख के जो फलारी बाबा है उनको हरी फल नहीं रहा है, फलारी बाबा को हरी फल नहीं रहा है, वो न्यूज चैनल देखते नहीं, देखना नहीं चाहते, ये न्यूज चैनल मत दिखाओ मुझे, कुछ म्यूजिकल चैनल दिखाओ, म्यूजिकल गाने सुनना चाहता हूँ, कोई भोजपुरी गाने लगाओ, कोई हिंदी गाने, गाने मैं ये नहीं देखना चाहता। अब गरीब जब भी संगीत म्यूजिक चैनल लगाए, म्यूजिक चैनल भी इनको छेड़ रहा है बाबा को, जैसे गाने का चैनल लगाया पहला ही गाना आ गया लड़की का, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। अरे चुप कर, मुझसे मिलने को दिल क्यों कर रहा पगली, चैनल बदलो। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, आ तुझे चूम लूं मैं, ये कर ना रे बाबा ना, ये मत कर, चैनल बदलो। अब चैनल जो बदला, तीसरा गाना आया तो इसकी मौत होगी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पे नजर है बाबा, तुझ पे नजर है। अभी मैंने किया ही क्या है, और एक और लास्ट पे आया था, लड़की है क्या, लड़की है क्या रे बाबा। बाबा ने बोला भाई लड़कियों के जो है मेरी नजर में तीन ही रिश्ते हैं, माँ बेटी और बहन, चौथा रिश्ता जो है मेरे चौथा है बस, मैं चौथे रिश्ते में नहीं जाना चाहता। तो ये बाबा का किस्सा हुआ। अब मैं एक और बाबा की बात करने जा रहा हूँ, राहुल बाबा की। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हमारे राहुल गांधी। जो आपको लग रहा हो कि अचानक मैं राहुल बाबा की बात क्यों कर रहा हूँ, पूछिए आप पूछिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है कॉमेडी, हम उनसे सीखते हैं। मालूम है जब से राहुल गांधी मार्केट में आए हैं, रोज सुबह लालू जी उनको फोन करते हैं, राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जब से आप समाज में आए ना लोगों ने हम पे चुटकुला बनाना बंद कर दिया, इतनी इज्जत होती है। तो राहुल बाबा का मैं इसलिए फैन हूं क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। राहुल बाबा जब भाषण देते तो आपको पता होगा पब्लिक सामने बैठी है, वो राइट और लेफ्ट देखते, पब्लिक सामने बैठी है, क्या नहीं किया भैया हमने, हमने क्या नहीं किया, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुपट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा। हेलो क्या क्या कह रहे हैं आप, मोदी जी खुद ही आ रहे, खुद ही आ रहे, तो मैं कैसे मानूं, जरा आप मोदी जी की आवाज मुझे सुनाइए, सुनाइए मित्रों
मैं आ रहा हूं सबरंग में। सुनील पाल जी, मैंने आपकी आवाज सुन ली। आइए 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 मोदी जी, अरे जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। आपने सोचा कि मोदी ये तो आ गया बच्चों की गोदी, बट ये है शाम रंगीला। तो सब रंग में रंगीला को मैंने यहां पर स्पेशली इसलिए बुलाया क्योंकि जितने लोग आज YouTube इस्तेमाल करते हैं, WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक सब लोग इनको जानते हैं और सब लोग इनके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा। पता ही है कि मोदी जी की आवाज कितनी प्यारी निकालते हैं। जोरदार तालियां शाम रंगीला के लिए। सुनील जी। हाँ जी सर, आप मंच पर हैं, आपके हाँ। सारे साथी मंच पर हैं। हाँ मैं इस मौके का थोड़ा सा दूसरा उपयोग करना चाहता हूँ।